बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कमर टीवी पे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। और आज की वीडियो है जी ट्रेन की, सिक्स व्हीलर ट्रेन है और इसकी बॉडी की लंबाई देखें तो तकरीबन 22 फुट फर्श है इसका, ठीक है। हीनो 7C है, 1990 मॉडल है, 1990 मॉडल है, कराची का नंबर है इस गाड़ी का और कागजात इसके बिल्कुल ओरिजिनल हैं, मोटर मालिक के नाम पे हैं। और उसके बाद ये अगर इसके इसकी क्रेन के बारे में बात करें तो क्रेन की वज़न उठाने की जो कैपेसिटी है वो है जी तकरीबन 4 टन। 4 टन इसकी क्रेन जो है ये वज़न उठा सकती है, कोई भी आइटम उठा कर कैरी कर सकती है। 1990 मॉडल है, इंजन इसका स्टैंडर्ड पे है और एम्प्टी कंटेनर भी इस पे लोड किए जाते हैं जिनका वज़न तकरीबन 2.5 टन होता है, क्योंकि इसके फर्श के साइडों पे कंटेनर लॉक बाकायदा लगे हुए हैं। और इसके साथ जी 2 टैंकियाँ हैं, एक टैंकी इसकी अपनी जेनियन है और एक टैंकी एक्स्ट्रा लगवाई गई है मालिक ने, वो इसलिए लगवाई गई है कि ये गाड़ी लॉन्ग रूट पर चलती है तो रास्ते में डीजल की परेशानी ना हो, ठीक है। इसके अंदर का रिव्यू मैं आपको करवा रहा हूँ, 6 के 6 टायर नए हैं इसके और 2 टायर एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी साथ देंगे आपको। कागजात इसके जेनियन है, ओनर का नंबर मैंने आपको दे दिया है, कराची में उनकी रिहाइश है और कराची में ये गाड़ी खड़ी है। अब मोहम्मद अबू बकर उनका नाम है। AC इसका चालू है, उसके बाद इसका हीटर चालू है और इसका बम्पर जो है सामने वाला वो जेनियन है, खुद से नहीं लगवाया गया, जेनियन है शो वगैरह साफ करने के लिए। और मैं दोबारा इस गाड़ी की आपको कंडीशन के बारे में आगाह करता चलूँ। AC इसका चालू है, हीटर चालू है और 2 इसके ऑयल टैंक हैं, 6 के 6 टायर इसके नए हैं, नीचे मैकेनिकल जितना भी है फ्रंट एक्सल ट्यूब वगैरह वो भी ज़बरदस्त कंडीशन में है और गाड़ी का रेडिएटर तक हर चीज़ एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये गाड़ी कराची में खड़ी है, मोहम्मद बुबकर उसके मालिक हैं इस गाड़ी के, जहाँ उनका नंबर मैंने दे दिया वीडियो में, आप उनके नंबर पे कॉल करके